मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, यानी दो नंबर दे रखे, दोनों नंबरों को प्लस करने पर जो नंबर आता अपने पास 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज द टू डिजिट नंबर, यानी टू डिजिट नंबर को हमने प्लस किया तो अपने पास जो प्रोडक्ट एंड आंसर जो है वो क्या है, 9। तो व्हेन वी इंटरचेंजेबल, दोनों नंबरों को अगर हम चेंज करते हैं आपस में, जैसे कोई भी नंबर लिया हमने, 3 + 4 लिया है, इनको प्लस करते हैं तो क्या है अपने पास, 7 आ गया। सॉरी, 9 के लिए देखते हैं तो 9 आ गया अपने पास। अब क्या करना है, दोनों नंबरों को चेंज करना है। चेंज करेंगे जैसे 4 और 5 को, दोनों नंबरों को चेंज किया है, और दोनों नंबरों को चेंज करने के बाद में जो नंबर है वो क्या है, 27 ज्यादा है इससे, तो इस टाइप से अपन को इसमें 27 जो है ऐड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ऐड करेंगे, लेट द नंबर, एन प्लस में जो अपन नंबर लेंगे वो क्या लेंगे अपन, एक्स, एंड वंस प्लस अपन जो सेकेंड नंबर वो क्या लेंगे अपन, 9 - x, क्योंकि दो नंबरों से मिलके बना है x प्लस एक्स इक्वल टू 9। अगर ये वन सिंगल x का नंबर वैल्यू फाइंड करनी है तो जो x है इधर वो माइनस में चला जाएगा, एक नंबर है x, सेकेंड नंबर क्या होगा आपका, 9 - x। इस प्रकार से इनको राइट करना है। इसके बाद में जो नंबर है जो नंबर है ओरिजिनल नंबर होगा आपका हो जाएगा, जैसे 10 पे अगर x दे रखा है तो हो जाएगा आपका 10x प्लस, और नेक्स्ट क्या दिया गया आपको, वंस पे दे रखा है 9 - x, ये हो गया आपका ओरिजिनल नंबर। इसके बाद में नंबर्स को अगर चेंज करते हैं इंटरचेंज नंबर, तो नंबर चेंज करना है, जैसे 9 दिया गया, 9 को लाना आपको यहाँ पे, और जो नंबर दिया गया वो जो वंस पे दिया गया वो आपको लेके लाना है सेकेंड नंबर, जैसे 10th वाला नंबर आपको वंस पर ऐड करना है, वंस वाला आपको ऐड करना है। यहाँ पे क्या है आपका, 10 को चेंज नहीं करना है, 10 तो आपका जैसे 1 तो 10th होता है, 1, 10, 100, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 10th ऐड किया गया। नंबर क्या लिया हमने, x, यहाँ पे हमने x लिया था, तो ये जो नंबर है वंस पे 1 से मल्टीप्लाई किया गया, ये 10 से मल्टीप्लाई किया गया, तो चेंज करेंगे इनको तो यहाँ पे जाएगा आपका x मल्टीप्लाई 9 - x प्लस, यहाँ जो x है वो चला जाएगा इनकी जगह, अक्सर ऐड करना है, ये हो गया इंटरचेंजेबल। अब दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, और जो ओरिजिनल नंबर है इसमें क्या ऐड किया गया, 27 ऐड किया गया, यानी 27 क्या है, ज्यादा दे रखा है, तो ऐड करना आपको 10x प्लस 9 - x प्लस 27 इक्वल टू, जो नंबर चेंज करने के बाद में जो नंबर बना था अपने पास वो था एक्स मल्टीप्लाई 9 - x प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे 10, सॉरी 10 राइट करना है यहाँ पे, अब सामने यहाँ पे राइट किया तो यहाँ पे बचेगा आपका 10, तो 10 के पास आना है, तो 10 मल्टीप्लाई 9 - x, और सेकेंड नंबर से चेंज करने के बाद में 10 मल्टीप्लाई 9 - x प्लस एक्स, दोनों को अब सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं इसको, यहाँ पे 10x है प्लस 9 - x दे रखा, प्लस 27 दे रखा, ये प्लस में दे रखा है, ये प्लस में दे रखा है, और 9 - x में दे रखा है, तो ये, और यहाँ पे इनको सोल्व करते हैं, ये मल्टीप्लाई में दिए गए, तो 10 को 9 से करेंगे तो 90 माइनस 10 को x से करेंगे तो 10x प्लस x, यहाँ पे दिया गया 10x प्लस ब्रैकेट आएंगे प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस x प्लस 27,
या तो इक्वल में दे रखा है, डायरेक्ट कट कर सकते हो, जैसे प्लस का 10 है माइनस 10 से कट हो जाएगा, सॉरी उनको सबसे पहले ऐड करते हैं, 10x प्लस 9 माइनस x प्लस 27, तो यहाँ पे 10x और ये माइनस में x दे रखा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 9x प्लस 9 प्लस 27, तो प्लस में जाएगा आपका 36 इक्वल टू यहाँ पे दिया गया 90, 10x 90 तो आपका 90 रहेगा, माइनस राइट करना है 10x प्लस 1 तो कितना बचेगा यहाँ पे 9x, क्योंकि 10x दे रखा है माइनस में प्लस का x है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा 9x होगा, 9x यहाँ पे आपको दे रखा माइनस में, इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो 9x प्लस 9x इक्वल टू 90, 36 इधर प्लस में दिया गया इक्वल के बाद में होगा माइनस में, माइनस 36 तो 9 मिला के हो जाएगा 18x इक्वल टू 90 में आपको 36 लेस करना है तो क्या आएगा 54, x की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 3, यानी जो x है x की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, तो जो नंबर था वो क्या था 3 था, तो राइट कर सकते इसको जहां भी x की वैल्यू दे रखी थी, जैसे एक नंबर क्या था x, सेकेंड नंबर हमने राइट किया 9 माइनस x यानी 3, इधर क्या था 3 इधर का, और यहाँ पे लेस करेंगे इसको तो क्या आएगा अपने पास सेकेंड नंबर 6, एक नंबर क्या था 3, सेकेंड नंबर क्या था 6, जैसा हमने यहाँ पे राइट किया है। तो 2 डिजिट का जो नंबर था वो अगर आप राइट कर सकते हो यहाँ पे, कौन सा था ओरिजिनल नंबर अपना, ये वाला 10x प्लस 9 माइनस x, अब इस प्रकार से जो नंबर था उसको राइट किया था इस प्रकार से ओरिजिनल नंबर, तो 10x और इनको सॉल्व करते हैं, 10 को 9 10x 10 में राइट करना है मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो जाएगा 30 प्लस यहाँ राइट करना है 9 माइनस 3 तो कितना बचेगा यहाँ पे 6, तो 30 प्लस 6 हो जाएगा आपका 36, तो नंबर कौन से थे आपके 3 प्लस 6 यानी ये 1 से और ये कौन सा 10 से दे रखा था, इसी प्रकार से मैंने इसको राइट किया था, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आता है 9 नंबर आता है।